हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बेसिक्स ऑफ टेंस की सीरीज में निगेटिव सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे। इनके बारे में जानेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डील करेंगे, ठीक है, और उसके निगेटिव सेंटेंस जिसके हिंदी वाक्य कैसे होते हैं, नहीं लगा होता है, ठीक है, नहीं या था, जैसे नहीं लगाया, ठीक है ना, खाया पिया, इस तरीके से ई थी ए थे इनकी पहचान होती है, जैसा कि हमें पता ही है। उसमें निगेटिव है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो नहीं शब्द लगा रहेगा, ठीक है। ये हमारा स्टेप नंबर 20 है बेसिक्स ऑफ टेंस की सीरीज में, ठीक। उसने पेड़ नहीं लगाया। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके पहले कि मैं आपको ये समझाऊँ, इसका नियम समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए ये नियम क्या है, NOTE नोट लिखा हुआ है, ठीक। ये क्या नोट है, ही शी इट या कोई नेम है, आई वी यू दे, जैसा हम सारे टेंसेस में जानते ही हैं कि ही शी इट कोई नेम और आई वी यू दे के साथ डिड नॉट लगाते हैं, ठीक है ना। क्या लगाते हैं, डिड नॉट लगाते हैं, और डिड नॉट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। बस दो बातें याद करने की है, ही शी इट कोई भी नाम और आई वी यू दे के साथ डिड नॉट लगाते हैं, और डिड नॉट के साथ जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या होता है, क्रिया, तो क्रिया क्या होती है, कोई भी जो हम काम करते हैं, देखिए यहाँ पे सारी क्रियाएं लिखी हुई हैं, हम पेड़ लगाने को प्लांट बोलते हैं, पढ़ने को स्टडी बोलते हैं, वर्क मतलब किसी काम को करने को वर्क कहते हैं, गो का मतलब जाना होता है, ईट मतलब खाना होता है ना, तो इस तरीके से कॉल, ड्राइव, ईट, ये सब क्या है, क्रियाएँ हैं जो हम लोग करते हैं, कॉल करते हैं ना, बुलाते हैं, कार चलाते हैं, खाना खाते हैं, वर्क काम करते हैं, ठीक है ना। वाटर करना, पानी देने को क्या बोलते हैं, वाटर करना, जैसे कि पेड़ों को पानी देना, रेन होती है नहीं होती है, ठीक है ना। गो हो गया, एब्यूज़ माने गाली देना, स्टील माने चुराना, ठीक है ना, और टेल बीट है ना, तो ये सब क्या है, हमारी क्रियाएं हैं, हम जो भी काम कर रहे होते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो ये हम पढ़ाने की क्रिया कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं समझ रहे हैं तो आप सुनने और समझने की क्रिया कर रहे हैं, साथ में आप इसको देख भी रहे हैं तो आप देखने की भी क्रिया कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम क्रिया कहते हैं, तो कह रहे हैं क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि क्रिया की तीन फॉर्म्स होती है प्लस एक आईएनजी फॉर्म होती है। तीन फॉर्म कौन कौन सी होती है, जैसे अगर हम जाने की क्रिया सुनने सोचें कि जाना मतलब गो, ठीक, ये तो जानते हैं ना, तो गो, वेंट और गॉन, ठीक। गो फर्स्ट फॉर्म हो गई, वेंट सेकेंड फॉर्म हो गई, और गॉन थर्ड फॉर्म हो गई, तो गो, वेंट, गॉन, ठीक है। और चौथी कौन सी हो गई, आईएनजी फॉर्म जो थी, गोइंग, ठीक है ना। आईएनजी फॉर्म जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म गो में आईएनजी लगाने से हो जाती है, ठीक है ना, तो वो चौथी वाली फॉर्म हो गई। बेसिकली थ्री फॉर्म्स होती हैं, गो, वेंट, गॉन, ठीक है ना। वेंटिंग नहीं होता है, गॉनिंग नहीं होता है, तो क्या होता है, गोइंग होता है, ठीक है ना, गो के साथ आईएनजी लग गया तो गोइंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी किसी भी क्रिया की चार फॉर्म होती है। अगर प्लांट बोलेंगे तो प्लांट फर्स्ट फॉर्म होती है, तो प्लांटेड, प्लांटेड और प्लांटिंग, ठीक है ना, तो ये होती है हमारी चौथी फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म प्लांट, सेकेंड फॉर्म प्लांटेड, थर्ड फॉर्म प्लांटेड और फोर्थ फॉर्म प्लांटिंग, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें हिंदी में वाक्य किस तरीके से मिलते हैं। तो हमें हिंदी में वाक्य मिलते हैं, उसने पेड़ नहीं लगाया, उसने पेड़ नहीं लगाया, ठीक है ना। तो हमने देखा कि उसने पेड़ नहीं लगाया क्या है, आ पे ख़त्म हो रहा है, आ है ना यहाँ पे, अगर हम था हटा दें तो आ पे ख़त्म हो रहा है ना। उसने पेड़ नहीं लगाया, नहीं का मतलब निगेटिव हो गया, आ का मतलब क्या हो गया, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो गया, ठीक। तो इन दोनों के आधार पे हम इसको पास्ट इंडिफिनिट के रूल से बना देंगे, ठीक है ना। उसने की इंग्लिश ही, ठीक है ना। नहीं के लिए क्या लगाते हैं पास्ट इंडिफिनिट में, डिड नॉट, ठीक है ना। तो डिड नॉट प्लांट, ही डिड नॉट प्लांट, उसने पेड़ नहीं लगाया, ठीक, उसने पेड़ नहीं लगाया, प्लांट अ ट्री भी कर सकते हैं, प्लांट अ ट्री, ठीक है ना, उसने पेड़ नहीं लगाया। वह पढ़ने नहीं गई, ठीक है ना, ई, ये ई है ना, थी हटा दे तो ई हो गया, थी भी आ सकता है और ई भी है। वह पढ़ने नहीं गई, शी डिड नॉट गो टू स्टडी, शी डिड नॉट गो टू रीड, कोई भी चीज, ठीक है, गो, अच्छा, इसने काम नहीं किया, इट डिड नॉट वर्क, ठीक है, इट डिड नॉट वर्क, इसने काम
नहीं किया। फिर इट किस लिए, इसने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे कोई पता नहीं चल रहा है कि क्रिया कौन सी है, तो इट डिड नॉट वर्क, इसने काम नहीं किया। इशिता खेलने नहीं गई, इशिता डिड नॉट गो टू प्ले, ठीक, इशिता डिड नॉट गो टू प्ले। मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट, ईटन नहीं होता, एट नहीं होता, क्या है मतलब फर्स्ट सेकेंड फॉर्म नहीं लगती, बस क्या लगता है, ही आई डिड नॉट ईट, ठीक है। फिर आ गया हमने उन्हें नहीं बुलाया, वी डिड नॉट कॉल देम, ठीक, वी डिड नॉट कॉल देम। तुमने गाड़ी नहीं चलाई, यू डिड नॉट ड्राइव अ कार, यू डिड नॉट ड्राइव अ कार, ठीक। उन्होंने फल नहीं खाए, दे डिड नॉट ईट फ्रूट्स, ठीक है ना, उन्होंने फ्रूट नहीं खाए। फिर उसने, उसने काम नहीं किया, ही डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया, ही डिड नॉट वर्क। उसने पेड़ों को पानी नहीं दिया, शी डिड नॉट वाटर ट्रीज, शी डिड नॉट वाटर द ट्रीज। बारिश नहीं हुई, जब अचानक से किसी चीज डायरेक्ट सब्जेक्ट कैसा आ रहा है जिसको हम लिख नहीं सकते, उसका नाम किस तरीके का, ये अपने आप में क्रिया से शुरू दिखाई पड़ रहा है, तो नहीं हुई, ठीक है ना, बारिश नहीं हुई, तो इट डिड नॉट रेन, इट डिड नॉट रेन। मोहित कहीं नहीं गया, मोहित डिड नॉट गो एनी वेयर, डब्ल्यू एच ई आर ई, एनी वेयर, मोहित डिड नॉट गो एनी वेयर। मैंने गाली नहीं दी, ठीक, मैंने गाली नहीं दी, आई डिड नॉट अब्यूज, तो इतना सब देख रहे हैं आप, ही शी इट नेम आई वी यू दे, लाइन से लिखा गया है, डिड नॉट लगाया गया है, और उसके बाद जो भी क्रिया हो रही है वो क्रिया लिख दिया गया, ठीक है ना, इसको हम लोग भागों में बांट भी सकते हैं, ठीक। तो मैंने उसे गाली नहीं दी, आई डिड नॉट अब्यूज। हमने उनकी कार नहीं चुराई, वी डिड नॉट स्टील देयर कार, वी डिड नॉट स्टील देयर सी ए आर कार, ओके। फिर हमने उनकी कार नहीं चुराई, वी डिड नॉट स्टील देयर कार। तुमने हमें सही रास्ता नहीं बताया, यू डिड नॉट टेल अस राइट वे, यू डिड नॉट टेल अस राइट, डब्ल्यू ए वाई, राइट वे, ओके। वे किसी को नहीं मारते, दे डिड नॉट बीट एनी वन, ओके। फिर आ गया ही शी इट नेम आई वी यू दे, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से टेस्ट योर सेल्फ में मैंने आपको बता दिया है कि इसको आप चाहें तो इसको लिखें ज़रूर, लेकिन एक बार खुद से ट्राई करें कि। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड अपने दोस्तों के साथ बोलिए कि इसे अच्छे से देखें और समझें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी नया वीडियो बने इस सीरीज़ को फॉलो करते हुए आप अपने नोट्स कंप्लीट करते चलें, ओके। थैंक यू सो वेरी मच।